विश्वास सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बता दूं इस वक्त देख सकते हैं चिलचिलाती धूप है, करीब 12:30 बजे का यह समय है जिस वक्त आप देख सकते हैं सामरवानी से रखौली जाने वाले मुख्य मार्ग और सामरवानी से सिलवासा जाने वाले मुख्य मार्ग का नज़ारा मैं इस वक्त आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जहाँ पर भारी संख्या में देख सकते हैं गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। और ऐसे में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो देखने को मिल रही है वो ये है कि लगातार इस वक्त जब इस तरह की घटनाएं यहां पर देखने को मिल रही है तो सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो ये है कि यहां पर प्रशासन को जो है वो ध्यान देने की खास ज़रूरत है। हमें पता है कि इस वक्त जो शहरी निर्माण कार्य जो है वो बड़ी तेज़ी से प्रगति के साथ प्रदेश में चल रहे हैं, जो जगह जगह पर दिखाया जाएगा। बीते दिनों हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि नरोली सिलवासा से नरोली की तरफ जाने वाले जो मुख्य मार्ग है उस पर पुल का निर्माण किस तरह तेज़ी के साथ बरकरार है और तेज़ी के साथ इसे शुरू कर दी गई और चंद दिनों में वो पूर्ण हो जाएगी। हालांकि ऐसे में सबसे पहली बात अगर सामरवानी पंचायत देख सकते हैं आप वहाँ पर दूसरी तरफ है और उसमें सबसे बड़ी जो बात दिखाना मैं चाहूँगा वो ये है कि लगातार यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या रोजाना जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है बीते दिनों जब यहाँ पर धूप में दिन दहाड़े जब यहाँ पर धूल मिट्टियाँ जो बहुत ज़्यादा उड़ती है तो यहाँ पर प्रशासन द्वारा ट्रैक चलता है जिसमें से पानी सड़कों पर दी जाती है। ऐसे में बीते दिनों कुछ फुटेज हमें यहाँ से भी मिले थे जिसमें लोग यहाँ पर बाइक से गिर रहे थे, उनको भी यहाँ के लोगों ने बचाने के लिए कोशिश की और उसके बाद काफ़ी यानी देखा जाए तो प्रशासन को ये चीज़ों पर खास एक पहल के तौर पर इसमें देखना चाहिए। पूरी तरह से इस तरफ तो कम फुटेज है, जैसे कि आपने फुटेज देखा होगा या फुटेज देख रहे होंगे बगल में तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि जिस तरह से शुरुआती जो स्टेज है जो चार रास्ता है मुख्य चार रास्ता सामरवानी सर्कल पर वहाँ पर काफ़ी जो है दिक्कत हो रहे हैं, वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इसमें जल्द से जल्द कुछ इस तरह राहत कार्यों को प्रशासन को करने चाहिए जिससे कि लगातार गाड़ियाँ जो है उन्हें कम समय इस तरह रुकना पड़े और जो यहाँ पे यातायात जो है बाधित हो रही है उसमें भी जल्द से जल्द मैं चाहूँगा कि इसमें भी राहत मिल सके। कैमरा पर्सन इस्लाम के साथ मोहम्मद मिश्रा सिलवासा।